हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेस्ले लैक्टोजेन के ऊपर वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर समझेंगे नेस्ले लैक्टोजेन के ऊपर। बहुत लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल आते रहते हैं, उस सवाल को मैं एड्रेस करने का कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल देखिए, बोला जाता है कि हाउ गुड इज इट टू यूज नेस्ले लैक्टोजेन मिल्क फॉर जस्ट बॉर्न बेबीज, यानी जो बच्चे हैं जो जस्ट अभी पैदा हुए हैं, ठीक है, जस्ट बॉर्न बेबीज है, जस्ट अभी उनका बर्थ हुआ है, तो उनको नेस्ले लैक्टोजेन देना ठीक है या नहीं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखिएगा, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, 100 में से ऐसा 95 केसेस आपको यही दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, उस समय आप देखेंगे हर दो दो घंटे पे बेबी को खुराक यानी बेबी को मिल्क दिया जाता है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है उस समय, जो खासकर की मदर लोग, जो कुछ मदर ऐसी होंगी जो सर्जरी में भी जा रही होंगी, तो सर्जरी करवा के वो तुरंत दूध नहीं दे सकती हैं ड्यू टू मेडिकल प्रिकॉशन, क्योंकि उनको बहुत सारे मेडिसिन चलता है उस समय, इंजेक्शन चलते हैं, इसी वजह से नहीं दिया जाता है। और जो मान लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं, तो उनका भी बेबी जो होता है तुरंत दूध नहीं दिया जाता है, ड्यू टू वन सेकेंड मेडिकल चलता है, मेडिकेशन होता है, इस वजह से ये सब रीजन है, ठीक है। तो भाई बेबी को भूखे तो नहीं रख सकते हैं। तो आप देखिएगा, नॉर्मली हर हॉस्पिटल में आपको बोलेगा कि फार्मूला मिल्क लाने के लिए, ठीक है, कोई फार्मूला मिल्क लाने के लिए। मैं यहाँ पर नेस्ले लैक्टोजेन की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नेस्ले लैक्टोजेन की बात करूंगा। जैसे नेस्ले लैक्टोजेन का आपको बोला कि फार्मूला मिल्क लेके आइए, आप फार्मूला मिल्क लेके आए नेस्ले लैक्टोजेन का। जब आप लेके आते हैं तो डॉक्टर जो नर्सेज होती हैं, डॉक्टर तो कुछ नहीं करेगा, केयर तो नर्सेज करेंगी, तो नर्सेज जो होती हैं उसमें से आपको दूध में से मतलब लैक्टोजेन लेके दूध बना के आपको बच्चे को पिलाती हैं, ठीक है, केयर करती हैं। तो आप ये सोच लीजिए, सवाल क्या था, जस्ट बॉर्न बेबीज, इससे ज्यादा बॉर्न बेबीज क्या होगा। अभी तुरंत बच्चा पैदा हुआ है, आप माँ का दूध नहीं दे सकते हैं, बच्चे को भूखा नहीं रख सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है मार्केट में जो बेस्ट फार्मूला मिल्क है, एग्जाम्पल के लिए हो गया नेस्ले लैक्टोजेन, उसका स्टेज वन आप पिलाते हैं, डॉक्टर मीन्स नर्सेज लोग देती हैं। तो ये बात तो साबित हो गया कि नेस्ले लैक्टोजेन वन जो है, जो स्टेज वन होता है, वो बच्चे जो बॉर्न हुए उनको देने में कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम मैं बार बार बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, उसके बाद डॉक्टर जरूर बोलते हैं या आपको नर्सेज भी सलाह देंगे कि आप ये मिल्क जो है टेम्परली देना है आपको। टेम्परली का मतलब है कि चलो अभी आप ऑपरेशन करा के आए हो तभी आप मत दीजिए, बट धीरे धीरे 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप दे सकते हैं अपना मतलब अपना दूध पिलाएं आप। या फिर ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि जो नर्सेज होती हैं, ठीक है, वो आपको ये भी बोलेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद 1 दिन के बाद आप अपना मिल्क पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात होता है कि हर माँ का उतना दूध नहीं होता है जितना बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में भी नेस्ले लैक्टोजेन माँ का दूध का काम पूरा करता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा सवाल बताइए, दूसरा सवाल है, विल माई बेबी एबल टू डाइजेस्ट कंफर्टेबली, क्या मेरा बेबी जो है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। बिल्कुल डाइजेस्ट कर सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत बढ़िया लैक्टोजेन होता है। ये आज की कंपनी नहीं है, ये मुझे लगता है कि 50-60-70 साल पुरानी कंपनी है ये, और नेस्ले खुद में एक रिनाउंड कंपनी है, बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत वैल्यूएबल कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ये ऐसा घटिया माल नहीं बेचता, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, बहुत ही आराम से बेबी आपका डाइजेस्ट कर जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहें, बिल्कुल आराम से डाइजेस्ट कर जाएगा। और बोलते हैं इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट होता है क्या नेस्ले लैक्टोजेन का। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है मार्केट में नेस्ले लैक्टोजेन, अगर आप नहीं लेना चाहते तो फेरेक्स ले लीजिए, बहुत अच्छा कंपनी है फेरेक्स भी, बहुत अच्छा इसका है, बल्कि लैक्टोजेन से भी ऊपर मैं मानता हूँ फेरेक्स को, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक चीज़ और होता है, आप फेरेक्स ले सकते हैं, सिविलेक ले सकते हैं, नान प्रो ले सकते हैं, नान प्रो भी नेस्ले का ही है, तो जिसकी मर्जी उसकी आप ले लें, लैक्टोजेन भी अच्छा है, ये भी आप ले सकते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, तीन में बता दी आपको, सिविलेक, नान प्रो और एक आपका फेरेक्स, ठीक है। अब एक सवाल और है कि क्या मैं शुड आई यूज कप एंड स्पून टू फीड बेबी और शुड आई यूज बॉटल टू फीड बेबी, बहुत कॉमन का क्वेश्चन है। देखिए, क्या मुझे बेबी को कप और स्पून में पिलाना चाहिए या बेबी को बॉटल देना चाहिए, बॉटल से पिलाना चाहिए। देखिए, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन आप सुने होंगे। ज्यादा बेहतर तो यही माना जाता है कि बच्चे को कटोरी और चम्मच से पिलाया जाए, ज्यादा बेहतर है, बहुत बढ़िया है, कटोरी और चम्मच से पिलाते हैं। दूध अगर आप बॉटल में डाल के पिलाते हैं तो ये हो गया काम चोरी, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे के मुंह में डाल दिया और अब चले गए काम करने, ठीक है, वो भी कर सकते हैं,
पर उससे क्या होता है, उस तरीके से पिलाने से गैस बनता है बच्चे के पेट में। बच्चे के पेट में अगर बोतल से पिलाएंगे आप तो गैस बनता है, बोतल को हर बार गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप कटोरी से पिला रहे इसको बस आप धो लीजिए एक बार और फिर से दूध पिलाइए, उसमें डाल के बना के फिर धो लीजिए फिर दूध पिलाइए। चम्मच से पिलाने से ये होगा कि बच्चे को बोतल का लत नहीं लगेगा, सबसे बड़ा बात है लत नहीं लगेगा। यही आगे चल के लत लग जाता है तो 3 साल 4 साल 5 5 साल तक बच्चा बोतल के दूध से पीता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मेरे घर में भी जो बच्चा है वो दूध बोतल से पिलाते हैं, तो आज 3 साल 4 साल का हो गई है और आज भी बोतल से पीती है। तो आप समझ लीजिए क्योंकि उसको उसी तरीके से पीने की आदत होगी, वो पसंद है। चम्मच से पिलाएंगे अगर बच्चे को शुरू से हैबिट बनाइएगा तो कभी वाटर बोतल का झंझट नहीं पड़ेगा और आपको हेल्प होगा। और बोतल से ऐसे भी नहीं पिलाना चाहिए, हर डॉक्टर आपको मना करेगा बोतल से नहीं पिलाना चाहिए, बोतल इज नॉट गुड, ठीक है। तो कोशिश करिए अगर आप समय है तो कप और स्पून से पिलाएं, अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर बोतल यूज करें। बोलता है कोई इफेक्ट होता है क्या, विल देयर इफेक्ट ऑन बेबी ब्रेन। बोलता है कोई इफेक्ट हो सकता है बेबी ब्रेन पे अगर हम नेस्ले लैक्टोजेन का यूज करें तो, कोई किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। नेस्ले लैक्टोजेन बहुत ही एक ट्रस्टेड कंपनी है, आज की नहीं बहुत पुरानी जमाने की है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप खोज रहे हैं, DHA जो ब्रेन के लिए चाहिए, उसके बाद वी प्रोटीन होता है जो हड्डी वड्डी मजबूत करता है आपको, कैल्शियम होता है, सब चीज़ होता है जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन बहुत बढ़िया होता है पाचन शक्ति के लिए भी, तो मतलब पाचन शक्ति नहीं मतलब पाचन करने में बहुत हेल्प होता है। इससे आपका बेबी के ब्रेन पे कोई असर नहीं आएगा, बेबी का ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, तो इस बात के लिए चिंता ना करें। फिर शुड आई टेक डॉक्टर एडवाइस बिफोर यूजिंग इट, क्या मुझे डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए इसको इस्तेमाल करने से पहले? बिल्कुल लेना चाहिए, 100% डॉक्टर का एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप ये सब काम करिएगा। किसी की बात में मत आइए कि नहीं बहुत बढ़िया चले गए यूज करने, नहीं, ठीक है। डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, डॉक्टर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसके बाद आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बिना डॉक्टर से पूछे हुए आप खुद जाके अपना दिमाग लगा रहे हैं, डॉक्टर का एडवाइस ले लीजिए वो ज़्यादा अच्छा है ना। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई मिल्क पाउडर सूट ही करे बेबी को, ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए नेस्ले लैक्टोजेन यूज़ किया आपने, नहीं सूट किया, तो आपको चेंज करके फेरेक्स यूज़ करिए, ठीक है, वो सूट कर जाएगा। या कभी मान लीजिए कोई दूसरा मिल्क पाउडर यूज कर सिमिलेक यूज कर रहे हो वो सूट नहीं कर रहे, नेस्ले लैक्टोजेन यूज करिए वो सूट कर जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हर एक मिल्क पाउडर हर एक बेबी को उतना ही सूट करता है, ये भी ध्यान रखना है। कभी किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, कभी किसी को लूज मोशन होता है, सब कॉमन सा चीज़ें होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला वो डॉक्टर के एडवाइस ले लेंगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नेस्ले लैक्टोजेन का लिंक, अगर आप उसको खरीदना चाहते वहाँ से बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल में पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।